प्रेस ब्रीफिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि हम कोई बार बार प्रेस में आने की कोई दिलचस्पी नहीं है ऐसे, पर भी हमारा मजबूरन हमको यहाँ आना पड़ रहा है। तो इसमें ऐसा था कि लास्ट आप लोग सबको पता है, जैसे लास्ट ईयर अक्सर 17 को अरुणाचल का फर्स्ट एवरेस्टर टपी मारा, क्यारी सतम रीजन कमी का क्यारी सतम माउंटेन में मिसिंग हो गया। तो उस सिलसिले में आप अरुणाचल का सारा मीडिया भी पता है, साइड नॉर्थ ईस्ट का सारा मीडिया भी पता है कि इस इशू को लेके गवर्नमेंट का ओर से और हमारा सर्च ऑपरेशन जो कमांड का ओर से इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो फैमिली को कोऑर्डिनेट नहीं करने के कारण हम आज तक तपीमारा और निकुदा उबाई को नहीं ढूंढ पाया। जो हम तपीमारा का बहन है ये भी हमारा परिवार से, तपीमारा से चौथा भाई है, ये निकुदाऊ का भाई है और ये निकुदाऊ का दीदी है और ये हमारा टपीमारा का मेटरनल अंकल जो लास्ट टाइम जो हमारा फैमिली सर्च ऑपरेशन टीम में लीड करके तागित सोरेन के साथ जाके जो केम थ्री से टपीमारा और निकुदाऊ का बिलिंग्स को जो ले आया था वो तरु भाई है। तो आज हम आपका अरुणाचल प्रेस का माध्यम से ये एक बात और जनता को और सरकार को अगर सुन पाए तो सबको एक बात बताना चाहती हूँ। हमने आप लोग सब देखा है, हमने ये सर्च ऑपरेशन का इशू चलते चलते लास्ट टाइम हम सड़क तक उतरना पड़ा। तो हमने टेनिस कोर्ट में 7-8 दिन बिता, हमारा परिवार पूरा, हमारे माँ परिवार बच्चों पूरा परिवार टेनिस कोर्ट में उतर के हमने इतना संघर्ष किया। क्यों? गवर्नमेंट का तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से हम मदद नहीं किया ये नहीं बोला है। तो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से मदद किया है, जो गवर्नमेंट का तरफ से जितना हो पाया जितना करना था कर किया है, करने में नहीं किया ऐसा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जो मदद किया इसको इस कमिंग का डीसी जो उसी समय में जो इस कमिंग का डीसी डिप्टी कमिश्नर था इन्होंने गलत इस्तेमाल करने के कारण जो हमारा सर्च ऑपरेशन तपीमारा को नहीं ढूंढ पाया, तपीमारा और निकुदा उपाय को नहीं ढूंढ पाया। अगर उसी समय रहते ही डीसी इस कमिंग हमको कोऑर्डिनेट करता तो आज हम यही इस नावर तक नहीं पहुंचना था। जैसे हम तपीमारा को उसी समय मिल भी गया होगा या तो कुछ क्लू मिल गया होता। तो इसलिए इस सिलसिले में हमने सरकार और हम जब टेनिस कोर्ट में उतरने के बाद 8 दिन टेनिस कोर्ट में बैठने के बाद सरकार और हमारा साथ मीटिंग हुआ तो सरकार का और से कंसर्न मिनिस्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का मिनिस्टर चेयरमैन थे और उस मीटिंग का और हमारा टूरिज्म मिनिस्टर थे, गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स पर्सन थे और हमारा परोक्ष सोसाइटी से भी थे और हमारा कम्युनिटी से भी, हमारा तागेन कल्चरल सोसाइटी, तागेन यूथ ऑर्गेनाइजेशन, तागेन स्टूडेंट यूनियन इनके साथ ही साथ और सेव अरुणाचल सेव इंडिजीनियस भी उसमें पार्टिसिपेट की थे। तो उसमें हमने एक रेजुलेशन लॉन्ग डिस्कस करने के बाद एक रेजुलेशन रिजोल्व हुआ। तो रिजोल्व पे इस पेपर को आप लोगों मीडिया को भी पूरा दिया हुआ है। तो उसमें हमारा 3 डिमांड्स थे, हमारा 3 डिमांड्स के अंदर में बहुत सा सब क्लोजेस थी। तो वो सब क्लोजेस के अंदर में हमने ऐसे डिमांड नहीं रखा है कि जो गवर्नमेंट नहीं कर सकता है, ऐसा डिमांड नहीं रखा है। हम जितना कर सक डिमांड रखा है गवर्नमेंट का तरफ से भी, हमारा परिवार का तरफ से भी, दोनों मिल के कर सकेगा ऐसे वाला डिमांड रखा है। हमने कोई ऐसा डिमांड नहीं किया है कि गवर्नमेंट जो नहीं अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ऐसा डिमांड नहीं रखा था। तो उस डिमांड में इस पेपर में जितने भी क्लोज था, जितने भी डिमांड था, गवर्नमेंट पूरा एग्री किया था। तो एग्री करके हमको हमने विद इन 1 मंथ का अंदर 15 डेज का अंदर में हमको अपडेट फाइनल रिपोर्ट मांगा था। तो गवर्नमेंट का तरफ से 1 मंथ का अंदर में जो जो फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है उस ये डिमांड को गवर्नमेंट बोला है बर्थ फाइनेंशियल ईयर खत्म होते ही हमको 31 मार्च तक हमको सब कुछ रिपोर्ट फुलफिल करेगा बोल के गवर्नमेंट का तरफ से ये एग्री किया था। तो आज हम देखा है कि हम इस बीच में बहुत सा अपडेट लेने के लिए कोशिश की, जो हमने हमारा जो इशू नवंबर 2022 को रिजॉल्व हुआ, रिटर्न में हुआ, एक्चुअली 6 नवंबर को मीटिंग हुआ था, हमने 7 नवंबर को हमने ये मिला, रिटर्न में मिला। तो उसके हिसाब से हम आफ्टर 1 मंथ में हमने फिर अपडेट लेने के लिए कोशिश की। तो उसमें कुछ आउटकम रिजल्ट नहीं मिला,
तो सरकार का ओर से बताया पॉजिटिवली ऑन प्रोसेस में है, तो चलो हम मानते हैं सरकार का ओर से ऑन प्रोसेस में है, तो समय पर जैसे सरकार का समय आते ही सरकार रिजॉल्व कर देगा, फुलफिल कर देगा बोल के हमने रुक के बैठा। फिर दिसंबर 23 के बाद हमने फिर जनवरी 17 को फिर गया सरकार का पास, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स जो साइनिंग और इस इशू का जो साइनिंग अथॉरिटी है इनका पास, फिर कंसर्न मिनिस्टर का पास भी गया। तो हमने उसमें भी जो हमसे जो सुझाव दे सके, जो हम गवर्नमेंट को हमसे मदद कर सके, हमारा परिवार का ओर से इस सर्च ऑपरेशन के लिए कुछ मदद कर सके और गवर्नमेंट से हम मदद ले सके, ऐसे वाला हम एकदम हमारा तरफ से भी बहुत इन आउटपुट देने के लिए कोशिश किया। तो कोशिश इतना कोशिश करने के बावजूद भी हमने 17 जनवरी को फिर अच्छे परियर लेटर रिमाइंडर एक लेटर डाला, तो गवर्नमेंट को हमको अपडेट अब तक का स्टेटस बताइए कि कब तक होगा इश्यू का रिजो फुल फिल कब तक होगा, अभी टाइम जा रहा है। आप सबको पता ही है एक सीजनल एक्सपेडिशन है, हम सीजन के साथ उसको ढूंढना पड़ेगा जो सर्च ऑपरेशन जो भी चलेगा। अगर सीजन खत्म होगा तब हम लास्ट ईयर का जैसे फिर से लेप्स होगा, हमको नहीं ढूंढ पाएगा, इसलिए हम गवर्नमेंट को बार बार रिमाइंडर इसलिए दी थी। तो हम कोई जानबूझ के इंटेंशन गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करना है वही नहीं था मेरा मकसद, मेरा मकसद वही था कि गवर्नमेंट को हम सीजन पे कंसंट्रेट कराए, थोड़ा अवॉइड कराए, इसलिए हमने गवर्नमेंट को बार बार रिमाइंडर लेटर दिया था। तब जनवरी 17 जनवरी को हम गवर्नमेंट को ये लेटर सबमिट करने के बाद हमने लगभग 2 सप्ताह रुका, फिर ये गवर्नमेंट का तरफ से फिर आउटकम रिजल्ट नहीं आया। तब हमने तय किया है कि तो इस रेजुलेशन में ऐसा था कि जो हमको सर्च ऑपरेशन के लिए जो रूट बनाना था जो उसको फैमिली का तरफ से सुपरवाइजन करना था, और सुपरवाइजन या तो मरा नहीं लो हमको करना था, तो हम इसलिए इसको सुपरवाइजन हम इसलिए ले आए कि अपना सर में इसलिए ले आए कि हम किसी वो उस रीजन में किसी का काम करना मुश्किल है और उस रीजन में वो काम करने कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस रीजन में काम करने के लिए फिर उस रीजन का रूट में घुसने के लिए कलेजा होना पड़ेगा या अपना लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तब काम कर पाएगा, इसलिए हमने इसका सुपरवाइज हम खुद करने के लिए बोला था। तब हम अपना सुपरवाइज इसलिए करते हुए हम अपना वादा को निभाते हुए हमने जनवरी 17 को गवर्नमेंट से कुछ आउटकम रिजल्ट नहीं आने के बाद हमने सेपा गया, सेपा जाके हमने लास्ट प्रोग बस्ती एक एक बस्ती में जाके जो उस क्यारी सतम रीजन में तपीमरा सार का ये 4 एटेम ऐसे 4 बार जो जिस 4 बार एटेम में वो ऐसा हो गया आज ऐसा लापता हो गया। तो उसी समय 1 साल पहले कौन साथ में गया था, सेकेंड टाइम में कौन गया था, थर्ड टाइम में कौन साथ में गया था, फोर्थ टाइम में कौन साथ में गया, ऐसे पुरुष बाइलों को हमने एकता करके एक एक बस्ती में जाके हमने उधर एक टीम बनाया, टीम बना के हमने वहाँ का रूट सर्वे करने के लिए और रूट बनाने के लिए हमने डिप्लॉय किया। 5 टीम हमने भेजा फोटो ट्रैक सरिया बस्ती तो क्रोंगतोंग तक बना पाया, तो क्रोंगतोंग में एक डेंजर पॉइंट था वो पार करना मुश्किल था, फिर सेकेंड टीम जाके उसको और डेंजर पॉइंट को सीढ़ी ब्रिज बनाया, फिर वो सेकेंड टीम बफरिया तक पहुंचा, फिर बफरिया में बड़ा 126 मीटर का एक ब्रिज है, लंबा ब्रिज है, वो पूरा पहाड़ में बनाना था। तो आप लोग को वीडियो फोटो भी हमने शेयर किया, कोई मीडिया को शेयर किया, जैसे कि अपना अरनत ईटानगर न्यूज़ को, नोटिस न्यूज़ को, जो हमारे पास आई थी हमने फोटो वीडियो शेयर किया था। तो उस जगह में हमको बनाना था, उसको हम थर्ड पार्टी डिप्लॉय करके उस ब्रिज भी आज के डेट में कम्प्लीट हो गया, कम्प्लीट होके फिर हमको आगे और 6 दिन का स्टेजिंग कैंप का हमको फिर रूट बनाना है। तो ये रूट हम इसलिए बना रहा है कि हमने इस रेजुलेशन में हमारा वो एक पॉइंट था, डिमांड एक डिमांड था, वो डिमांड इसलिए था कि ये डिमांड में ये हम लोग का ये रेजुलेशन में ऐसा था, हम लोग ये रेजुलेशन में नंबर अभी जो आज का इम्पोर्टेंट है, नंबर 1 टागित सोरेन को टीम लीडर बना के गवर्नमेंट का तरफ से अपॉइंटमेंट करके टीम लीडर बना के नेक्स्ट सर्च ऑपरेशन के लिए लीड कराना था, टागित सोरेन फैमिली टीम को लीड कराना था, और नंबर 2 इंटरनेशनल एक्सपर्ट नेपाल से शर्पा लाना था, शर्पा ला के गवर्नमेंट इसको इंश्योरेंस करना है, और जितना रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट का जितना रिक्रूटमेंट
सर्च ऑपरेशन में जो रिक्वायर इक्विपमेंट जरूरी है उसका गवर्नमेंट बेयर करेगा, इसका लॉजिस्टिक सपोर्ट पूरा गवर्नमेंट करेगा, अरुणाचल गवर्नमेंट करेगा, वही एग्री था इंटरनेशनल सरपा लाना था। तो नंबर डिमांड नंबर 3 में ये था कि हमको फूड ट्रैक बना देना था, क्योंकि इंटरनेशनल सरपा लाने से भी जाने के लिए रास्ता होना पड़ेगा, क्योंकि उस रीजन में कभी कोई गया नहीं है। तो मरा सर तभी मरा सर और पहला इंसान है उस रीजन में जाके सर्वे, तो एज सर्वे के हिसाब से जाके वहाँ पे कोई रास्ता बनाया नहीं है और ट्रैकिंग रूट के हिसाब से और सर्वे करके सर्वे करते हुए गया है, तो वहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। वहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपर्ट आने से भी रास्ता चाहिए, हमारा फैमिली मेंबर का तरफ से नेक्स्ट को सर्च ऑपरेशन करने से भी रास्ता चाहिए, जो डेंजर पॉइंट है, जो हम रास्ता ऐसा बनाना है कि हमको गाड़ी जाना है बाइक जाना है, हमको ऐसा नहीं बनाना है, हमको ऐसा बनाना है कि मई टू सितंबर तक इंसान जा सकना है, आना जाना कर पाना है। हमको हमारा जो माउंटेनियरिंग सीजन सितंबर 30 तक खत्म हो जाता है ऑफिशियली, तब तक हमको वहाँ पे आदमी इंसान जाने के लायक तक हमको बनाना है, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपर्ट आएगा जो हमारा फैमिली का लास्ट टीम जाएगा, उसका साथ में हमारा पोर्टर जाएगा, राशन पहुंचाने वाला, जो इक्विपमेंट पहुंचाने वाला पोर्टर आना जाना करेगा, इसके लिए लाइफ रिस्क ना हो। तो जितना भी वहाँ पे आना जाना करेगा उसका फिर अनदर कैजुअलिटी ना हो, कुछ इंसिडेंट ना हो, इसलिए हमको रास्ता इसलिए ज़रूरी था। तो इसलिए गवर्नमेंट को हमने यहाँ पे लिखा रास्ता को मांगा, तो गवर्नमेंट का तरफ से टेक्निकल डिपार्टमेंट डीपीआर बना के मार्च तक गवर्नमेंट सेंक्शन करा देगा, रास्ता करवा बनवा देगा बोला है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट का तरफ से वो भी कुछ आउटकम रिजल्ट नहीं आया। तो ऐसे होने के कारण तो दूसरा हमारा डिमांड नंबर 2 में ये था कि डीसी सेपा जो लास्ट हमारा सर्च ऑपरेशन को जो लेप्सेस करने के कारण डीसी सेपा था, इस कमिंग का डिप्टी कमिश्नर था, हमने इसका रीजन उसको माना जाता है। तो हमने आगे भी बताया कि सरकार को भी बताया, हमारा कंसर्न मिनिस्टर को भी बताया, हमारा जितना भी सीबीओ हमसे जुड़े हुए थे उसको भी पूरा बताया कि डिप्टी कमिश्नर इस कमिंग का वजह से उसी समय का जो सितंबर अगस्त सितंबर 2022 में था, इनका वजह से हमारा तपीमरा और निकुदा उपाय को नहीं ढूंढ पाया, हमने आगे भी बताया था। इसको हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था कि इसको इंक्वायरी कमिटी बिता के हमको रिपोर्ट 15 डेज के अंदर में सौंपने के लिए हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था। गवर्नमेंट इधर सरकार की तरफ से इधर क्लियरली लिखा है कि 1 मंथ के अंदर में रिपोर्ट दिया जाएगा, इधर क्लियरली लिखा है, आप लोग का पास में भी होगा ये कॉपी, लेकिन अभी तक इनका रिपोर्ट नहीं मिला। अब आज का डेट में वो डीसी पहले सेपा से निकल गया, 30 नवंबर से पहले सेपा से निकल गया, फिर आज का डेट में वो इतना प्रोएक्टिव डीसी था कि आज का डेट में वो स्पेस में होगा, हमको लगता है अर्थ में भी नहीं होगा, स्पेस में होगा, या आज का डेट में वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी बन गया होगा। तो आज का डेट में हमको लगता है कि अरुणाचल गवर्नमेंट उसको इंक्वायरी कमिटी बता के हमको रिपोर्ट सौंप पाएगा, हमको ऐसा नहीं लग रहा है, ये हकीकत बात है। पर हम सच्चाई को कुछ बोलने जाएगा तो सरकार की ओर से भी कोई नेगेटिव लगता है और किसी को नेगेटिव लगता है, लेकिन ये बात को हमारा दुख को समझते हुए हम फैमिली में क्या बीत रहा है, तपीमरा का फैमिली में क्या बीत रहा है, इसका माँ क्या बीत रहा है, इसके बच्चे को क्या बीत रहा है, इसका भाई को क्या बीत रहा है, इसके बहन का अंदर में क्या बीत रहा है, वो चीज़ को नहीं समझते हुए हम कभी हमारा जो डिमांड पूरा नहीं है लेट हो रहा है होने से सरकार की ओर से भी कभी कभी हमको नेगेटिव लगता होगा, लेकिन सरकार का ओर से नेगेटिव लगो या पॉजिटिव लगो, हम तो सरकार को पॉजिटिवली अभी भी उम्मीद कर रहा है। इसलिए आज आप लोग का अरुणाचल प्रेस क्लब में को हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है कि हमारा मैसेज पहुंचा दीजिए, क्योंकि हम अभी भी सरकार को पॉजिटिवली मान रहे हैं कि हमारा काम समय पर कर देगा। पर भी ये एक ऐसा समय है कि ये एक सीजनल ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन है, तब हम मई से शुरू करना पड़ेगा। अभी आप लोग सब देखिए कि मई कितना दिन बचा है, आज 7 तारीख है, तो मई कुछ दिन बचा ही नहीं है, हमको मई से पहले हमको पूरा डिमांड को सबको फुलफिल करने के लिए रिजल्ट आना बाकी है, फिर हमको टेंटेटिव प्रोग्राम बनाना बाकी है मोमेंट के लिए, फिर हमको एक्शन प्लान तय करना, हमारा टेक्निकल पर्सन तय करना बाकी है, तो इसमें हमारा पास समय नहीं है। इसलिए हम आप लोगों का माध्यम से हम गवर्नमेंट को भी और हमारा समाज को भी ये मैसेज पहुंचाना चाहता है, और हमने इस डिले को देखते हुए हमने 27 हमको हमारा परिवार का ओर से हमने थोड़ा वेटिंग तो कर लिया, चलो 31 मार्च तक
फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है तो 31 मार्च तक हम वेटिंग कर लेते हैं। तो हम लास्ट टाइम जब सरकार और हमारा बात जो रिजल्ट हुआ था, इशू रिजल्ट हुआ था, उसी समय भी आप लोगों को प्रेस वालों को बताया था हम 31 मार्च को आप लोग को प्रेस क्लब में आके मिलेंगे, हमने बता के भी रखा था, हमने बोल के रखा था। फिर हम 31 मार्च को आप लोग को प्रेस में नहीं आ पाया, क्यों? हमने 31 मार्च को पैनल अपडेट के लिए, हमने 27 मार्च को पैनल अपडेट के लिए हमने लिखा था, प्रियर लेटर फिर से डाला था, हमको 31 मार्च तक पैनल अपडेट दे दीजिए बोल के हमने लिखा था। लेकिन इनका 31 मार्च को फिर हमने वो लेटर का अनुसार हमने 31 मार्च को सेक्रेटरीट में गया तो जाने के बाद कंसर्न मिनिस्टर को नहीं मिल पाया। फिर उस स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जो सैनिक अथॉरिटी है उसको मिला, मिल के हमने इनका कॉन्फ्रेंस हॉल में हमारा अक्सू का तागिन स्टूडेंट यूनियन का कोई मेंबर्स था और एग्जीक्यूटिव, फिर हमारा आतियो का मेंबर्स था हमारे साथ में गया, उसके बाद फॉर्मर अक्सू प्रेसिडेंट भी गया था। जाके हमने वो सब जो हम लोग मीटिंग रिजोल्व हुआ था उसी समय का विटनेस था हम लोग, तो जाके हमने सेक्रेटरी सर को पूरा डिटेल्स ब्रीफ किया। करने के बाद सेक्रेटरी सर बोला है आप मंडे को आ जाइए, मंडे को कंसर्न मिनिस्टर आ जाएगा, अभी गुवाहाटी में कुछ इमरजेंसी इशू लैंड इशू के लिए गया है तो आ जाएगा, आप मंडे को आ जाइए। मंडे को 3 तारीख होता है तो मंडे को हमने फिर से गया तो गया तो ना सेक्रेटरी सर को मिला है, ना मंत्री सर को मिला है, ना मंत्री का ओएसडी को मिला है, किसी को भी नहीं मिला। तो नहीं मिलने के कारण हमने एक लेटर फिर से प्रियर लेटर फिर से डाल के आया है, क्योंकि हमको अब एक कदम कदम में हमको सबूत का जरूरी हो गया, आज का रिकॉर्ड का जरूरी हो गया। तो हम एक लेटर डाले, इसमें हम कुछ भी बुरा भी नहीं, बुरा नहीं लिखा, हम उतना मांगा था कि एक रिव्यू मीटिंग बिता दीजिए। उस रिव्यू मीटिंग में ऐसा होगा जब हम लोग का इशू रिजोल्व हुआ था उस इशू का जितने भी मेंबर थे उनको बुला दीजिए, हम उतना जानना चाहता है कि ये 31 तक क्यों नहीं हो पाया ये इशू। अगर हम जैसे आम इंसान, ये भाई जैसे आम इंसान के लिए गवर्नमेंट का काम कर देना तकलीफ भी हो सकता है, लेकिन तपिमरा जैसे अरुणाचल का रिनाउंड पर्सन, वो अरुणाचल का पास माउंट एवरेस्ट तर है, वो पास माउंट एवरेस्ट तर होने के कारण उसका ये इशू, आप कुछ भी कर दो गवर्नमेंट, जो बड़ा भी कर दो छोटा भी कर दो, लेकिन उनके लिए ये बड़ा बात नहीं है, वो आज के डेट में मिसिंग है, इनके लिए गवर्नमेंट कुछ भी करना वो बड़ा बात नहीं है, गवर्नमेंट का जो एफोर्ट है गवर्नमेंट करना चाहिए। तो इसलिए हम ये इसलिए प्रियर लेटर डाला था कि हम रिव्यू मीटिंग बैठा है, रिव्यू मीटिंग बैठा के हमको रिव्यू मीटिंग में ऐसा होगा, हमको सिर्फ जानना है रीजन जानना है उसका मैंने फुलफिल क्यों नहीं हो रहा है, रीजन कहाँ पे उसमें तकलीफ कहाँ पे है, वो चीज़ को हमको जानना था। लेकिन इस उसके बाद फिर हमने कल 6 तारीख को एक सर्कुलर मिला है सेक्रेटरी डायरेक्टर यूथ अफेयर से, एक सर्कुलर मिला है कि हमको 11 तारीख को ये 11 अप्रैल को मीटिंग बुलाया। इस मीटिंग में हमको हम अच्छा से जज किया है कि अच्छा से हम देख रहे हैं कि इस मीटिंग में बहुत सा नया पार्टी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जो नया पार्टी मैंने गवर्नमेंट सोच समझ के ये किया होगा, लेकिन जो भी आओ इस इशू में जो भी आओ इस ऑपरेशन में कोई भी ज्वाइन करो, हमारे लिए परिवार की ओर से वेलकम है, कोई भी आओ कोई सुझाव दो मदद करो हमारे लिए वेलकम है, जितना भी आए उसको हमारे ओर से वेलकम है। लेकिन इस इशू में हमको लग रहा है कि उसको हम टेक्निकल इशू लग रहा है, क्यों टेक्निकल मीटिंग लग रहा है, क्योंकि हमारा जो इशू है अभी तक रिजोल्व हुआ नहीं है, हमको रिजोल्व हुआ है ना नहीं हुआ है गवर्नमेंट के अंदर में है, हमको अभी तक कुछ क्लियर रिपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्लियर आंसर नहीं मिला है, पर अभी ये इसको हम टेक्निकल इशू मीटिंग लग रहा है कि आगे का एक्शन प्लान या 10 तारीख के लिए, इसमें कुछ ये कुछ पीछे में लिखा हुआ है कि इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी सबमिट करना है, इसे लिखा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी देना है, इसे लिखा है इसमें, हमको लग रहा है टेक्निकल मीटिंग होगा लग रहा है। अगर टेक्निकल मीटिंग भी होता है तो समय पर होता है तो अच्छा बात है, अगर आपको टेंटेटिव प्रोग्राम बनाना है मूवमेंट के लिए या आपको एक्शन प्लान बनाना है तो आपको ये सर्च ऑपरेशन के लिए तो ठीक है समय रहते ही बनाना है, अभी हमारा पास मुश्किल से 20-22 दिन बचा है, इस पर बनाना ही है, इसमें जितना मैंने सर्च ऑपरेशन में जितना इक्विपमेंट जरूरी है, जितना लॉजिस्टिक सपोर्ट जरूरी है, वो चीज़ को तो डिस्कस करना जरूरी है, टेक्निकल भी जरूरी है,
लेकिन इसके साथ साथ हमारा इशू भी पूरा फुलफिल होना पड़े। इसलिए हम आप लोग का मीडिया का माध्यम से इसलिए यहाँ पे आया है कि इस 11 तारीख का मीटिंग में हमारा फैमिली का जितना भी निकुद और हमारा तपीमारा का फैमिली का जितना भी डिमांड था, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है प्लीज़ अब इस एक ही वक्त में एक ही दिन में इस मीटिंग में हमको सब कुछ एक साथ में फुलफिल कर दीजिए, वही रिक्वेस्ट करने आया है नंबर वन। और नंबर टू, इस मीटिंग में ये फुलफिल नहीं, हमारा फैमिली का जो आगे हम अब 7 नवंबर को हमको जितना भी रिटर्न दिया है उसको याद करते हुए उसको आप ये 11 तारीख में पूरा फुलफिल कर दीजिए। और दूसरा बात, आपको टेंटेटिव उसको फुलफिल करने के बाद आपको टेंटेटिव प्रोग्राम बनाना है, एक्शन प्लान बनाना है, उसको भी बनाइए। हम बार बार मीटिंग नहीं आएगा और आप भी गवर्नमेंट भी हमको बार बार मीटिंग नहीं बुलाएगा, शायद हमारे लिए बार बार मीटिंग फिक्स नहीं कर देगा, फिर हम भी बार बार मीटिंग आना नहीं चाहता है। तो हम बार बार मीडिया में भी आना नहीं चाहता है कि कोई मीडिया में आने से ऐसा होता है कोई अपना काम को प्रमोशन करने के लिए, कोई अपना अच्छा चीज़ दिखाने के लिए आता है। हम अपना परिवार का दुख को लेके, आंसू को लेके आप लोगों के पास आते रहता है, ये भी हमको कभी बहुत दुख फील करता है। ऐसा बात नहीं है कि हम मीडिया में कोई दिखाने के लिए नहीं आ रहा है, तो हम हमारा दुख उपाय नहीं है कि हमारा दूसरा सहारा नहीं है कि हम बता पाए, इसलिए हम आप लोग मीडिया के सामने बार बार आना पड़ रहा है। तो इसलिए हम वही बात आप लोगों को गलियत बताना है कि ये इम्पोर्टेंट बात वही है कि हमारा इस लेटर में 7 नवंबर का इस रेजुलेशन में जो भी चीज़ था, जो भी जो गवर्नमेंट का और हमारा परिवार और जो भी बात हुआ उसमें जो भी रिजॉल्व हुआ इस पेपर का माध्यम से उसको सब ये 11 तारीख का मीटिंग में प्लीज सरकार उसको फुलफिल कर दीजिए, वही रिक्वेस्ट करने आ रहे हैं। थैंक यू। ना इसमें ऐसा है, इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ये टेक्निकल पर्सन होगा, हमको सेटिस्फाइड नहीं, ऐसा नहीं है, सेटिस्फाइड इन द सेंस वहाँ पे हमको पता चलेगा। जो टेक्निकल पर्सन जितना भी है आना चाहिए, गवर्नमेंट का तरफ से इनवाइट करना चाहिए, जो वो बात उसी समय मीटिंग पे डिस्कस कर लेगा। और हम अभी आप लोगों के माध्यम से स्पेशलिस्ट हम वही इन्वाइट कर स्पेशल इन्वाइट करने आया है कि गवर्नमेंट का तरफ से इस सर्कुलर में हमारा तागिन स्टूडेंट यूनियन, हमारा तागिन यूथ ऑर्गेनाइजेशन और हमारा सासी सेफ अरुणाचल सेफ इंडिजिनियस को यहाँ पे नहीं लिखा है, मेंशन नहीं किया है। हम आप लोगों के माध्यम से वही स्पेशलिस्ट इन्वाइट करने आया है कि हमारा तागिन स्टूडेंट यूनियन और हमारा तागिन यूथ ऑर्गेनाइजेशन से और सेफ अरुणाचल सेफ इंडिजिनियस का अभी जहाँ पे भी हो आप लोग इस मीडिया में इस मैसेज को देख रहा हो तो आप प्लीज़ 11 तारीख को मीटिंग में आ जाइए। ये हमारा तरफ से तपीमारा का फैमिली का ओर से स्पेशल इनवाइटी है आप लोगों को, आप लोग तागिन स्टूडेंट यूनियन, तागिन यूथ ऑर्गेनाइजेशन और सेफ अरुणाचल सेफ इंडिजिनियस आप लोग आइए, क्योंकि गवर्नमेंट का तरफ से मेंशन करो या मत करो आप प्लीज़ हमारा तरफ से आ जाइए, हम आपको इंतज़ार करोगे, क्योंकि आप लोग लास्ट विटनेस था। हमारा TCS को तो दिया है, तागिन कल्चरल सोसाइटी को तो मेंशन किया है, लेकिन हमारा तीनों विटनेस को यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से हम उसको उन तीनों ऑर्गेनाइजेशन को हम स्पेशली इनवाइट करता है, आप प्लीज़ समय नहीं होने से भी आप अपना कीमती समय को निकल के वहाँ पे 11 बजे को ब्लॉक 1 सिविल सेक्रेटरी में आ जाइए, हम आपको आप तीनों ऑर्गेनाइजेशन को हम वहाँ पे वेटिंग कर लेंगे। हाँ निकू दाव का भाई यहाँ पे आया है, आप निकू दाव का भाई को पूछ सकता है, निकू भाई का दाव का ये तो मेटरनल ब्रदर है, तो इसका अपना इमीडिएट ब्रदर है, चौथा भाई है, और निकू दाव को जो पालने वाला दीदी यहाँ पे है तो आपको उसको पूछ सकता है कि यहाँ पे आया हुआ है। निकू दाव का भी तरफ से जो हमारा हम लास्ट टाइम भी बोला है अभी भी बोल रहा है, निकू दाव को भी गवर्नमेंट जितना जो इस पेपर में जो लिखा है निकुदा को भी पूरा होना चाहिए, जो हमारा बात का बात हमारा पूरा होगा, निकुदा को नहीं होने से वो इनजस्टिस है ना, नहीं वो नहीं होता है ना। निकुदा भी हमारा भैया तपीमारा का साथ में मिसिंग हुआ है, तपीमारा गवर्नमेंट ऑर्डर में गया है, तो अपना उधर खेलने के लिए पिकनिक खाने के लिए ऐसा तो नहीं गया है, वो गवर्नमेंट ऑर्डर में गया है, एक्सप्लोरेशन के लिए गया है,
तो इसलिए जो बाकी बात को हम पॉइंट को चर्चा नहीं करेगा, हम वहाँ पे चर्चा करेंगे। आप लोग मीडिया वाला भी उसी समय वहाँ पे आ जाइए तो हम वहाँ पे चर्चा करेंगे। जो जितना इशू रिजोल्यूशन में जहाँ हम लोग जो रिजोल्व किया था उसमें इंटरनेशनल चाइना काउंटर पार्ट का है, तो हम तो 60-65% अभी भी चाइना को अभी भी हम उम्मीद करता है चाइना को हम अभी भी शक है, शक नहीं है। हम उतना हम वहाँ पे नहीं गया, कंफर्मेशन नहीं कर पाया, उतना बात है। तो अभी अभी भी हम 65% पूरा चाइना पर कोई हमको लग रहा है चाइना ले गया, हमको ऐसा लग रहा है। पर बाद में वहाँ पे जाके जो होना नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन इसलिए हम इसलिए अभी उतना नहीं बोल पा रहा है कि हम वहाँ तक अभी जाके नहीं देगा। लेकिन सरकार को हम इसलिए लग रहा है कि सरकार को हमने 23 सितंबर 2022 को हमने सीएम सर का चैम्बर में सीएम सर को हमने रिप्रेजेंटेशन डाला है चाइना काउंटर पार्ट को, आप प्लीज़ वहाँ से पूछताछ कर दीजिए। वो अभी तक ना रिटिन में आया, ना कोई जवाब आया, कुछ भी जवाब नहीं है, किसी के पास भी कोई जवाब नहीं। सरकार को हम बार बार पूछ रहे हैं, सरकार के पास जवाब नहीं है। तो ऐसे में हम सरकार की तरफ से अगर उधर पूछताछ कर रहा है ना नहीं कर रहा है, अगर पूछताछ करके हमको कुछ छुपा रहा है ना टोटली भूल गया है, वो चीज़ को हम 11 तारीख को डिस्कस कर लेंगे और 11 तारीख के मीटिंग को हम पॉजिटिवली आ जाएंगे। हम उम्मीद है ये वेलफेयर गवर्नमेंट है तो अच्छा रिजल्ट आएगा होगा, वही अच्छा रिजल्ट के लिए, पॉजिटिव रिजल्ट के लिए हम उम्मीद करके जा रहा है। हमारा इशू सब कुछ उसी समय 11 तारीख को पूरा फुलफिल हो जाएंगे, हम वही उम्मीद में जा रहे हैं। मैम आप फुलफिल होना है जो आप बोल रहे हैं, नहीं लास्ट टाइम में जो एश्योरेंस दिया है वही अगर गवर्नमेंट की तरफ से जो एश्योरेंस जो जितना जो एश्योरेंस सिर्फ ने हमको रिटिन में दिया है जो फुलफिल हो जाता तो हमको आप लोग को बार बार क्यों डिस्टर्ब करना जरूरी था। हमको बार बार साल भर बाल बच्चा को छोड़ के अपना मेडिकल कंडीशन में है, हम ऑन ट्रेनमेंट में है छोड़ के हम सेक्रेटरेट में वहाँ पर हम सर्विस कर नौकरी करता है ना वहाँ पर हम कॉन्टेक्ट करता है, तो हम सेक्रेटरी ने बार बार एंट्री करके क्यों जाना जरूरी है। तो हमको इसलिए कि फुलफिल नहीं होने के कारण हम नहीं हमेशा उधर अपडेट लेने जाता है। ये फुलफिल मीन्स यहाँ पे एक तागित सोरेन को जो टीम लीडर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटमेंट किया वो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स का ओर से हमको लेटर मिला है, लेकिन तागित सोरेन को हमने अभी तक यूज़ किया नहीं है। क्यों बोलने से तागित सोरेन को यूज करने के लिए मैन पावर चाहिए, हाँ तागित सोरेन को गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली ऑर्डर देना पड़ेगा कि अब इस काम में ए बी एक्स वाई जेड जो भी करो इस काम को आज से शुरू करो बोल के तागित को ऑर्डर देना पड़ेगा। तागित को सिर्फ अपॉइंटमेंट करके रखा है, अभी तक गवर्नमेंट ऑर्डर दिया नहीं है इस सर्च ऑपरेशन इशू के लिए अब अभी से एक्टिविटी शुरू करो बोल के जो करना है क्या करना है शुरू करो बोल के गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर दिया नहीं है, हमको अभी तक नहीं देखा है। इसलिए तागित सोरेन भी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करके गवर्नमेंट के पास में वो हमारा पार्ट में अभी नहीं है, इसलिए तागित हम बीच में रास्ता बनाने गया वहाँ पे इतना डेंजर पॉइंट में जाके हम रास्ता बनाना पड़ रहा लुक आफ्टर करना पड़ रहा, तो हम तागित को नहीं ले जा पाया क्योंकि वो तागित गवर्नमेंट का है, तो तागित को गवर्नमेंट का ऑर्डर बिना हम नहीं ले जा सकता है क्योंकि वहाँ पर कुछ भी हो गया तो ऑर्डर किसने दिया कल को ये सवाल उठेगा, इसलिए हम तागित को ज़रूरत हो के भी यूज़ नहीं कर पाए। नहीं सरकार का हेल्प अभी तक तो सरकार से नहीं है, लेकिन हम सरकार का कहने पर गया है और सरकार को हम जाते वक्त ही इंटीमेशन भी देके गया है हम रास्ता बनाने जा रहा है आप एडवांस हमको मदद करना है भी तो करिए समय पर, अगर नहीं करना होगा अभी तो हमको एक एडवांस ऑर्डर दीजिए कि काम शुरू करने जाओ समय नहीं है। और लेटर भी हम 17 जनवरी को देखे गया है और रिकॉर्ड मेरा पास में रिसीव लेटर मेरा पास में है, लेकिन सरकार का तरफ से हम 10 दिन वेटिंग करने के बाद भी कुछ ये रिप्लाई नहीं मिला, तो रिप्लाई नहीं मिलने के कारण हम जाना पड़ा क्योंकि उसको ये पार्ट को हम कुछ सुपरवाइज करने के लिए रिजोल्यूशन में हम लोग रिजोल्यूशन पास हुआ था कि हम कुछ सुपरवाइज करें, तो हमको पता था कि बार बार बता रहा है उस रीजन में कोई अपना लाइफ को सेक्रीफाइस नहीं करेगा वो वहाँ पर काम करने नहीं जाएगा, वही सोच के हमने काम शुरू किया। लगभग अभी हमारा 45% काम हो गया, उसमें आप लोग मीडिया वाला भी चल सकेगा आस्ते आस्ते जाने से, जो हम जा पा रहे हैं तो आप लोग भी जा पाएगा, तो 45% जो दो तीन डेंजरस पॉइंट पार हो गया, अभी 3-4 डेंजरस पॉइंट बाकी है और हमको और 6 स्टेजिंग के बाकी है। मैम आप
नहीं नहीं हमको तागित सोरेन का अलावा और कुछ नहीं मिला। हाँ कुछ रीएम्बर्समेंट वगैरह था होगा, लेकिन वो पार्ट ऑफ सर्च ऑपरेशन का पार्ट नहीं है। और रीएम्बर्समेंट था लास्ट ईयर, हमने जो हमारा परिवार हमने जो लाइबिलिटी हमारा जो लाइबिलिटी था उसको क्लियरेंस करने के लिए था, उसको भी हम अभी तक ऐसे ऑफिशियली कवर नहीं मिला है। सुनने में आया है रीएम्बर्समेंट सेंक्शन हो गया बोल के सुनने में आया है, अभी तक ऑफिशियली हमको कवर नहीं मिला है, कंसर्न डिपार्टमेंट से नहीं मिला है। पर भी तो वो हमारा पार्ट नहीं है, सर्च ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ लाइबिलिटी को क्लियरेंस करना था। उसको हमने सर्च ऑपरेशन का पार्ट हम उसका हमारा डिमांड का इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं मान सकता है तो, लेकिन हमको अभी तक ऑफिशियली ये नहीं है। लेकिन इसको भी हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को बोला है जब रीएम्बर्समेंट भी रिलीज होगा आप लोग हमारा डिमांड जो फुलफिल होगा हम उसको एक साथ में रिसीव करेगा, अगर हमारा जो डिमांड जो फुलफिल नहीं होगा हम ना उसको आगे पीछे रिसीव नहीं करेगा। ये भी क्लियरली हमने वहाँ पे बात करके रखा है क्योंकि हमारा इम्पोर्टेंट टपीमारा और निकुदाव को ढूंढना है, वहाँ पे जाके कुछ मिलना नहीं मिलना अलग बात है, लेकिन हम कैंप 3 से जैसे बिलोंगिंग मिला था रिकवर किया था उससे आगे पीछे बर्फ पूरा बर्फ खत्म होते ही पिघलते ही हम उस आसपास में जो बर्फ कमती होगा वो आसपास में हमको जाके ढूंढना है वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ है। अगर बात का सीधा बात है कोई कैरबेसेस में गिर गया होगा भी तो हमको डेड बॉडी मिल जाएगा या तो उसका कपड़ा उसका साथ में कुछ तो मिल जाएगा, अगर एम्बुलेंस ले गया तो भी हमको मिल जाएगा क्योंकि वो इतना बड़ा उस जिस जगह में हैपन होना था उस जगह में इतना बड़ा जगह नहीं है। हम पूरा ये कर लिया कि हमको हम लोग पूरा ये इंटरनेट के माध्यम से या GPS का मदद से हम लोग पूरा उसमें ये कर लिया एरियल मैप पूरा बना लिया रोड पूरा मैप बना लिया कि उसमें उतना बड़ा जगह नहीं है। हम वहाँ पे सस्ती मीटिंग में तो हमको कोऑर्डिनेट करके हमारा टीम एक्सपर्ट तागित सोरेन जो तारू भाई इनको कोऑर्डिनेट करके कोई साथ दे के अगर सर्च ऑपरेशन करेगा तो हमको इस बार कुछ ना कुछ मिल जाएगा, सीधा बात है मिल जाएगा अगर कुछ हो गया होगा। अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला तो हम दूसरा एंगल से ढूंढना पड़ेगा, सीधा सा बात है। वो दूसरा एंगल क्या है आप लोग को जो हम वहाँ का सर्च ऑपरेशन खत्म होने के बाद आप लोग को फिर एक बार बताएगा, हम वहाँ से कुछ नहीं मिला हम दूसरा एंगल से ढूंढना पड़ेगा। हाँ वही है, फिर अभी सर्च ऑपरेशन के लिए हमारा पास समय नहीं है, लगभग 20 दिन बचा है शुरू करने के लिए। अभी इस 20 दिन में एक भी हमारा जो एक भी काम रिजल्ट माने आउटकम रिजल्ट नहीं हुआ। गवर्नमेंट बोल रहा है, गवर्नमेंट तो बोल रहा है ऑन प्रोसेस में है हो जाएगा बोल रहा है, लेकिन कब तक होगा हमारा पास समय नहीं है। बात इसमें है सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोग बार बार बता रहा है हम अपना भैया को ढूंढ रहे, अगर इस बार नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट अच्छा से नहीं ढूंढ देगा। और हमको और गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पे लिखा है कि 108 सेक्शन के हिसाब से 7 साल गवर्नमेंट हमको ढूंढ देना पड़ेगा, ये सीधा सा बात है। इस बार हमको अच्छा से कोऑर्डिनेट करके कुछ क्लू नहीं निकल दिया तो इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से बार बार सरकार को भी रिक्वेस्ट कर रहा है इस 11 तारीख का मीटिंग में सब कुछ होना है। कुछ भी नहीं हुआ ऐसे भी कुछ भी हेल्प नहीं हुआ कुछ भी हेल्प नहीं हुआ नहीं वो भी लोग नहीं किया नहीं मिला नहीं मिला कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला है रिटर्न लिखा है नहीं गया था हाँ वही तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा अभी हम मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है तो क्योंकि हम भी इंसान है
सोचना भी पड़ सोचना भी है, हमको काम भी करना है, दौड़ना भी है, फिर आप लोग को भी से भी अपडेट करना है, तो गवर्नमेंट से भी अपडेट लेना है, इसलिए फिर हम भी अभी मेरा दिमाग वही सोच के हम टेंशन होकर काम नहीं कर रहे, क्यों बोलने से अभी समय नहीं बचा है, तो इस 20-15 दिन में हम क्या कर पाएगा, हमारा छः बेस केम वन केम टू को छोड़ के हमारा और 6 दिन का रास्ता बचा है, हम 4 दिन का रास्ता बनाया है, हमको 4 दिन का रास्ता बनाने के लिए हमको ये 31 जनवरी से 27 मार्च तक लगा है, 31 जनवरी टू 27 मार्च तक लगा है, तो चार दिन का रास्ता को बनाने के लिए अभी हम और 6 दिन का रास्ता बचा है, उसको हम अभी क्या किया जाए, अभी हमारा पास जो बचा कुछ आता वो खत्म हो गया, तो हम ये उम्मीद के बेटा था कि 31 मार्च को गवर्नमेंट उसको पूरा क्लियरेंस कर देगा, वही उम्मीद के से हम काम किया था, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, फिर हम आगे का काम कैसे करेगा, आगे का रूट कैसे बनाएगा, और भी डेंजर पॉइंट बचा है, उसको हम आगे क्या करेगा, वही हम वही सब समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम 11 तारीख को ये 11 अप्रैल को गवर्नमेंट के साथ वही बात गवर्नमेंट को पूछेंगे, गवर्नमेंट वो कब तक ये खत्म का रास्ता बना देगा, गवर्नमेंट को डिस्कस कर लेंगे, पर भी नहीं होगा गवर्नमेंट से नहीं होगा भी तो हम इस बार कोशिश करेगा 2023 में हमारा परिवार और से एक बार कोशिश करेगा, गवर्नमेंट का तरफ से होता है होना नहीं होना अलग बात है, होना चाहिए, गवर्नमेंट कुछ क्यों रिटर्न में दिया है तो कोर्ट एश्योर किया है, एश्योरेंस दिया रिटर्न में दिया तो सारा सरकार का दो मंत्री था, स्पोक्स पर्सन था, सब बैठ के रिजोल्यूशन रिजोल्व किया है तो कर देना चाहिए, हम उम्मीद है अभी भी, पर भी अगर इनकेस नहीं कर देता है बोलने से हमारा परिवार की ओर से हम कोशिश करेंगे वहाँ पे पहुँच पाना, पहुँच नहीं पाना और हम अफोर्ड कर सकेगा तो पहुँच पाएगा, अगर अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो क्या करें, हम जहाँ तक पहुँच सकेगा हमारा परिवार की ओर से कोशिश।